गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। भाव सौंदर्य हम सप्रसंग व्याख्या में कर चुके हैं, जिसमें पंक्तियों का सरलार्थ, प्रसंग सहित कवि कहना क्या चाहता है वो आता है, और काव्य सौंदर्य में व्याकरण सम्मत विशेषताएं बतानी होती हैं। तो आपका क्वेश्चन अलग से आता है, जिसमें भाव सौंदर्य भी पूछा जाता है और काव्य सौंदर्य भी। तो भाव सौंदर्य में, जिसे हम मूल स्वर कहते हैं, कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो देखिए, कबीर के पदों में, पहले पद में कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा को एक बताया है, ईश्वर सर्वव्यापक है, बाह्य आडंबरों पर करारी चोट की गई है, मोह माया को निरर्थक बताया है। तो कवि के कहने का भाव भाव सौंदर्य होता है, इसे हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। फिर व्याकरण सम्मत बातें देखिए, कौन कौन सी जरूरी हैं, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी है, रस कौन सा है, और पदावली कैसी है, शब्द चयन कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले हम अलंकार, अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सफल प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ एक व्यंजन वर्ण बार बार आए, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ एक शब्द बार बार प्रयोग हो, अर्थ भी उसका सिमिलर हो, वही हो, उसकी आवृत्ति हो, उसे कहते हैं पुनः उक्ति, जो एक बात बार बार कही जाए। तो हमने पदों में पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार के वर्ण जो हैं एक व्यंजन, जैसे का, द, न, इन वर्णों का प्रयोग बार बार हुआ है तो अनुप्रास अलंकार है। फिर पुनुक्ति प्रकाश के उदाहरण है एकई एकई, काटई काटई, एक एक। अब पंक्तियाँ अगर काव्यांश से पढ़ेंगे, एकई पवन एकई पानी एकई ज्योत समाना, यहाँ कौन सा अलंकार है, पुनुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा सद्दू कड़ी है, सरल सहज आम बोलचाल की भाषा। अंत पद लयात्मकता है, लयात्मकता क्या होती है, जब पंक्तियों की राइम मिलती हो, लय मिलती हो। शब्द चयन अनूठा, शब्दों का चयन कैसा है, भावानुकूल। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द संस्कृत हिंदी दोनों में एक समान प्रयोग किए जाएं तत्सम कहलाते हैं, और जो हिंदी में संस्कृत के रूपांतर हों, जैसे अब जल है, जल आपका तत्सम है क्योंकि हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं और संस्कृत में भी, लेकिन पानी, पानी आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट चित्रात्मकता है, चित्रात्मकता क्या होती है कि कवि जो बात कहने जा रहा है उसके चित्र हमारे सामने उभरते नजर आए। अब जैसे कवि ने कहा कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना, जब कोई भी बात कही जाती है तो वो चित्र, अब हमें पानी वायु और प्रकाश जो है हमारी नज़रों के सामने, हमें उसका चित्र दिखाई देने लगता है, तो इसे क्या कहेंगे, चित्रात्मकता। शांत रस का परिपाक है, शांत रस क्या होता है, जब मोह माया से दूर होकर भक्ति की जाए, तो कबीरदास जी ने मोह माया को निरर्थक बताया है, तो यहाँ कबीर के पदों में रस कौन सा हुआ, शांत रस। बच्चों, आज का होमवर्क है कि कबीर के पद, पहला भी दूसरा, भाव सौंदर्य काव्य सौंदर्य का तो आप अभ्यास करेंगे और काव्य सौंदर्य अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।